हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक दोस्तों वर्डप्रेस से रिलेटेड है। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में बल्क में इमेजेस डिलीट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूंगा कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने वर्डप्रेस का वीपी एडमिन लॉगिन कर रखा है और अब मैं मीडिया सेक्शन में आ चुका हूं। दोस्तों अगर मुझे यहां पर एक से ज्यादा इमेजेस एक क्लिक में डिलीट करनी है दोस्तों, तो वो कैसे करेंगे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। सपोज करो मुझे ये इमेजेस डिलीट करनी है, तो सिंपल है, इमेज पे क्लिक करते हैं, परमानेंट डिलीट करते हैं, डिलीट डिलीट हो गई इमेजेस। लेकिन दोस्तों अगर मुझे एक से ज्यादा इमेजेस एक साथ डिलीट करनी है, एक एक करके डिलीट करूंगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर एक से ज्यादा करनी है दोस्तों, तो यहां पर आप एक ऑप्शन देख रहे हो बल्क सेलेक्ट, इस पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको उन इमेजेस को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है जिनको आप डिलीट करना चाहते हो। जैसे मैंने ये कपल ऑफ इमेजेस सेलेक्ट कर ली हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, फॉर एग्जांपल के लिए ये इमेजेस मैं चाहता हूं डिलीट करना, तो बस सेलेक्ट करो और यहां पर आप देख सकते हो डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन आ रहा है। वो पूछ रहा है श्योर है, ओके करना है, और आप लोग देख सकते हो एक क्लिक के अंदर ही एक से ज्यादा इमेजेस मेरी डिलीट हो चुकी है जो मैंने सेलेक्ट की थी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको एक से ज्यादा इमेजेस डिलीट करना है, तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।